चुप कराइएगा। ओम शांति। स्वयं की ब्राह्मण स्वरूप को देखेंगे। सफेद वस्त्र, उसमें लगी हुई त्रिमूर्ति बैज के साथ। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने अलौकिक घर में मधुबन की पांडव भवन की आंगन धीरे धीरे बढ़ रही हो। बाबा के कमरा की ओर जैसे बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, देख रहा हूँ विधाता बाबा फरिश्ता स्वरूप मेरे स्वागत कर रहे हैं। मुझे अपने सम्मुख बिठाकर बाप दादा पूछ रहे हैं, बच्चे किसकी याद में हम मैं बोला एक बाबा दूसरा ना कहीं। स्मृति में बस एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा मुस्कुराते हुए अपने बरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते, सदा स्मृति स्वरूप भाव वरदान लेते। अब मैं जा रहा हूँ। बाबा की कुटिया की ओर
दिल में एक बाबा की याद लेकर। मैं बाबा की कुटिया में वहां भी मैं देखता हूं मेरे खुदा दोस्त, मानो मेरे ही इंतजार कर रहे थे। जैसे मैं प्रवेश करता हूं कुटिया में, बाबा अपने हाथ मेरी ओर देते हुए, मैं बाबा के हाथ में हाथ रखते बाबा के सम्मुख बैठ जाती। बच्चे तुम खुद अपने को क्या समझ रहे हो? मैं अपने ही असली स्वरूप में आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हूँ। बाबा बोले, बच्चे सदा अपने को आत्मा समझ, मुझ पारलौकिक बाबा को याद करो। मैं इस फरमान को लेते तुम्हारे कुटिया से निकलकर आगे बढ़ता हूँ स्त्री हॉल की ओर। स्त्री हॉल में मैं खुद को देखता हूं, मेरे पूर्वज दादियां दीदी और भ्राता सभी के बीच में और आगे संदली पर बाबा और मम्मी। मीठे बच्चे, तुम्हारी बोली इतनी
रियलिटी भरो। जो तुम्हारा बोल समर्थ बोल बन जाए और दूसरों को समर्थ प्राप्त हो। ऐसे बोल को समर्थ बनाओ। बाबा जैसे मैं मुझे यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, जी बाबा अब मैं जा रहे रहा हूँ। शांति स्तंभ की ओर जैसे ही मैं शांति स्तंभ के आगे खड़ा होता हूँ, कानों में जैसे गूंजता है बाबा की अव्यक्त आवाज, बच्चे तो जो भी तुम्हारे संपर्क में आवे उन्हों को तुम्हारे से परम धाम की अनुमति होना है। तुम्हें उन्हें परम धाम की अनुभव दिलाना है। टावर ऑफ पीस में अब टावर ऑफ नॉलेज ज्ञान स्तंभ के आगे जब कोई तुमको देखे तुल वतन का ब्राह्मण स्वरूप उन्हें दिखाई दे, टावर ऑफ लाइट के आगे में
और बाबा की आवाज। जब कोई तुमको देखे तो तुम्हें उनको सूक्ष्म वतन की फरिश्ता नजर आ। हम शांति भाई जी अब मूवी स्टार्ट कर सकते हैं। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आज की मूली की डेट है 19 दिसंबर 1978 और आज की डेट है फर्स्ट फरवरी 2024। आज की मुरली की टाइटल है रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। तो बाबा आज की मुरली में विशेष रॉयल्टी और रियल्टी, हमारे चलन चेहरे और अंग अंग से हर एक कर्म इंद्रियों से रियल्टी दिखाई देनी चाहिए और उस रियल्टी में रॉयल्टी औरों को अनुभव हो। तो देखेंगे बाबा आज कौन कौन सी इंद्रियों से और कौन कौन सी स्मृतियों में कौन सी रियल्टी चाहिए और रॉयल्टी दिखाई देनी चाहिए। तो मुरली स्टार्ट करेंगे। पहले पाठ, सर्व की तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा अपने होनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होनहार हैं। यही बच्चे होनहार हैं। हर हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फ्यूचर से फ्यूचर को देखते हैं। तो बाबा हमारे ब्राह्मण जीवन को देखते हुए भविष्य की स्वरूप को देख रहे थे। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फखुर है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी को हो नहीं सकता। बाबा कितने फखुर से कहते हैं कि ऐसे तकदीरवान बच्चे विश्व में किसी को हो नहीं सकता। ऐसे फखुर बच्चों में बच्चों को भी रहता है कि हमारा जैसे तकदीरवान किसी किसी को हो नहीं सकते। हमारे जैसे तकदीर किसी को हो नहीं सकते। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियल्टी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियल्टी ही रॉयल्टी है। रियल्टी ही रॉयल्टी है।
इससे बड़ी रॉयल्टी कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं है। रियल्टी किन बातों की वह रॉयल्टी किन बातों की वह रियल्टी किस बात की? तो बाबा रियल्टी और रॉयल्टी की पॉइंट्स यहाँ विस्तार करते हैं। अपने स्वरूप की रियल्टी, अपने स्वरूप की रियलिटी। पहला, अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है तो अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। यदि हमारे में अपने असली स्वरूप आत्मिक स्वरूप की याद है तो इस स्मृति से स्थूल सूरत में भी अलौकिकता औरों को नजर आएगी, रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसे रॉयल्टी से अनुभव अनुभव होगा, ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, पहली बात था स्व की स्मृति, स्व की स्वरूप की स्मृति। दूसरी बात है स्मृति में भी रॉयल रियल्टी, स्मृति में भी रियल्टी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस रियल्टी की स्मृति से, इस रियल्टी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी, कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएगी उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होगा। जो भी संपर्क में आएगी उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होगा। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभवी अनुभूत अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्वचन। ऐसे कर्म और बोल में रॉयल्टी की रियल्टी की रॉयल्टी होगी, ऐसे कर्म और बोल में रियल्टी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण, संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियल्टी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा। कितनी पावरफुल महावाक्य बाबा बोले। ऐसे रियल्टी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देता देगा। ऐसे ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेगा। तो जादू क्या करेगा वो भी बाबा यहाँ स्पष्ट करते हैं। अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति की मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगा। नयन
नयन की रॉयल्टी। बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि। दृष्टि जब भी हमारे दृष्टि में देखेंगे तो उन्हों को डिफरेंट साक्षात्कार होंगे। किसी को मुक्ति, किसी को जीवन मुक्ति, किसी की लास्ट जन्म ब्राह्मण जन्म की, और किसी की पहला जन्म देवता जन्म की साक्षात्कार होंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएगा। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्म का भी ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति दिलाएंगे। अभी अभी स्थूलवतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएगी। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ता के स्वरूप का अनुभव कराएगा। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी परमधाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएगा। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएगा। 1 सेकेंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्म इंद्रियों द्वारा कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले, अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार से के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे रियलिटी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। जैसे बाबा स्थूल एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ, जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहाँ किसी के अधीन नहीं होंगे। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि भर हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं, वहां बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं होगी। जो लेने के लिए कहां नजर जाए, उनके नैनों में, नैन की बात, उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। उनके नयनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी, अर्थात रियल्टी। यह देह भी रियल नहीं, देही रियल है। यह देह भी रियल नहीं, देही रियल है। तो अपने आप को पूछो, रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है? नंबर वार होगी ना, मेरा नंबर कौन सा है, यह चेक करो। बाबा हर बात में नंबर वार कहते हैं, तो इसमें भी नंबर वार तो है। और बाबा कहते हैं कि अपना नंबर इसमें कौन सा है, चेक करो। फर्स्ट डिवीजन में है वह सेकेंड डिवीजन में है? थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। पंजाब, पंजाब का नंबर कौन सा है? पंजाब वाले वालों को, पंजाब ग्रुप को बाबा संबोधन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं पंजाब का नंबर कौन सा है। सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना, अगर सेकेंड में भी हो तो आज फर्स्ट में आ जाना, आज फर्स्ट में आ जाना।
बाबा बच्चों को, बच्चों प्रति कितनी आस रखते हैं, शुभ आस रखते हैं। सेकेंड नंबर वालों को भी संगम युग में भी सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। सेकेंड नंबर वालों को भी संगम युग में भी सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होगी। कोई अप्राप्ति होगी, सॉरी, कोई प्राप्ति होगी कोई नहीं होगी। जैसे कई कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। सुख की अनुभूति होती है लेकिन शक्ति रूप की अनुभूति नहीं होती। फर्स्ट डिवीजन वालों को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है, अर्थात अगर कोई भी कमी है, अर्थात 14 कला है सेकेंड डिवीजन। कोई भी कमी है तो बाबा 14 कला में सेकेंड डिवीजन में है, ऐसे कह रहे हैं। ऐसी आत्माएं अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति के से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सत्व प्रधान प्राप्ति के बजाय सत्व प्राप्ति करती हैं। तो सेकेंड डिवीजन हो गया ना बाबा, 16 कला और 14 कला का डिफरेंस, या फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन का डिफरेंस बता रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के प्रकृति के सत्व प्रधानता का सुख लेंगे। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के प्रकृति के सत्व प्रधानता का सुख लेंगे और वह सत्व का सुख लेंगे, सत्व प्रधान का नहीं। तो अब सोचो कि क्या लेना है, सत्व प्रधानता की प्राप्ति व सत्व की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई कोई प्राप्ति की अनुभूति। खुद ही अपना जज बनो, खुद ही अपना जज बनो। तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा, समझा? रियलिटी ही रॉयल्टी कैसे है, रियलिटी ही रॉयल्टी कैसे है, समझा? फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। अच्छा, तो बाबा आज यहाँ तक ही सुना रहे हैं, रियल्टी और रॉयल्टी। फिर बाबा कहते रॉयल्टी की विस्तार और भी सुनाएंगे कभी। अच्छा, तो बाबा याद प्याद दे रहे हैं, ऐसे सदा रॉयल्टी में रहने वाले सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करने वाले एक सेकेंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा को हम भी याद प्यार देते हैं, हमें ऐसे तकदीरवान बनाने वाले, हमारे हर कर्म इंद्रियों में रियलिटी भरने भर देने वाले, सेकेंड में चारों धामों का अनुभव करवाने की जादू मंत्र देने वाले ऐसे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और चेक भी करेंगे। चेक भी करेंगे कि हमारे में कौन कौन सी रियलिटी और रॉयल्टी है, बाबा के सम्मुख बैठकर चेक करेंगे और उसके बाद हम आज की मुरली की शेयरिंग रखेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने समय पर मुरली समाप्त की। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं मुरली के पॉइंट्स, और केवल पॉइंट्स को रिपीट नहीं करेंगे हम, उसको गहराई से चिंतन में लेकर के आएंगे कि एक्चुअल भाव बाबा का हमें बताने का क्या रहा और कैसे इसको हम एप्लीकेशन में लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत गहरी मुरली है। शेयर कीजिए। ताराबेन बोलिए। जी, बाबा चाहते हैं कि हम बाबा के नंबर वन बच्चे बने, हम सतयुग में आए और त्रेता युग में नहीं आए, बिकॉज त्रेता युग में 2 कला कम हो जाता है, और तो वहाँ पर अति इंद्रिय सुख की अनुभव हम पूरा नहीं कर पाते, हम खाली शांति का अनुभव रहता है वहाँ। और जब हम शुरुआत में आते हैं, नंबर वन में आते हैं सतयुग में, कृष्णा के साथ रहेंगे, लक्ष्मी नारायण के संग रहेंगे, देवी देवता के संग, तो हम वहां पर अति इंद्रिय सुख भी अनुभव करते हैं, शांति भी। तो बाबा वही चाहते हैं कि हम फर्स्ट डिविजन में आए, त्रेता में नहीं आए। तो वही बाबा का वो है कि हमें अपना अपने आप को परिवर्तन करना है। ओम शांति। शांति, ओम शांति। जी बोलिए। जी, बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा हमारा जो भी स्वर्ग का अधिकारी है, तो बच्चों को देखकर बाबा कहते हैं कि मुझे भी ईश्वरीय फकुर में है कि हाँ, ऐसे तकदीरवान बच्चे सिर्फ यही होते, बाकी कहाँ नहीं दिखाई देते। ऐसा फकुर बच्चों को भी रहता है और बाप को भी रहता है कि ऐसी तकदीर किसी और की हो नहीं सकती। ओम शांति। बाबा खुद की तकदीर पे विनाश कर रहे हैं। हाँ, कि ईश्वरीय फकुर बाबा को है, ईश्वरीय फकुर कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के नहीं हो सकते। कैसे तकदीरवान बच्चे? होवनहार बच्चे। हाँ, स्वर्ग का एक एक बच्चा अधिकारी है ना, जिनके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, है ना। तो बाबा ऐसे बच्चों को देखकर खुश होते हैं। कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर हाँ जी, है। हाँ, तो बाबा आज ने टोटल एम्फसाइज किया है कि रियलिटी ही तुम्हारी रॉयल्टी है। तो रियलिटी ये है कि हम सब आत्मा है, और किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे, जो इतना सर्व गुणों का खजाना है, सर्वशक्तिवान है, प्रेम का सागर है, कितना भी महिमा करे कम है, दुख हरता सुख करता है। तो ऐसे बाप के बच्चे, जब ये स्मृति हम अभी जैसे कि ब्राह्मण बने हैं, और इस आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित होंगे, तो आत्मा के जो सातों गुण हैं, जो सर्वशक्तियां हैं, जो भी खजाने हैं, उसमें जब हर चीज जैसे उस सोल कॉन्शियसनेस में जब हम उस स्थिति में उस कॉन्शियस से रहेंगे, तो वो ही हमारी रॉयल्टी है। क्योंकि बाबा ने थोड़ी मुरलियों में ये भी कहा है कि पवित्रता की रॉयल्टी, तो पवित्रता से 100% प्यूरिटी, तो मैं आत्मा हूँ, यही प्यूरिटी है, जिसमें कोई देहभान नहीं, देह अभिमान नहीं, कुछ भी देह का कुछ भी उसमें इन्वॉल्व ना हो। वो रियलिटी बाबा चाहते हैं कि मेरे मेरे बच्चे, जैसे दुनिया में भी होता है ना, ये मेरा बच्चा है, तो उसी तरह बाबा चाहते हैं कि मैं परमात्मा और मेरा बच्चा आत्मा, तुम जैसा मैं हूँ वैसा मेरा बच्चा रहे। तो वो बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे उस रियलिटी में जिए, क्योंकि अभी तो 63 जन्मों के संस्कार है, तो हम अभी प्रैक्टिस में हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हम उस रियलिटी को अनुभव करें, तभी वो हमारी रॉयल्टी है। क्योंकि बड़े बाप का बच्चा कैसा होता है, रॉयल्टी जैसे दुनिया में दिखते हैं, तो उसी तरह बाबा यहाँ सूक्ष्म लेवल पे आत्मिक स्थिति को बनाकर बाप समान
बनने का बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति इसमें दीदी। बाबा ने, हाँ जी बोल, दीदी ये लाइन क्लियर नहीं हुई कि अब सोचो क्या लेना है, सत्व प्रधानता की प्राप्ति व सत्व की प्राप्ति, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बताइए भाई क्या डिफरेंस है। जयंत भाई आप बताएंगे। जी दीदी, मेरा दूसरा पॉइंट था वो, बताओ। अच्छा ओम एक शांति। मिनट, पहले सिस्टर ने जो पूछा है वो क्लियर करते हैं, कोई हाँ ठीक है और आंसर करेंगे। जी दीदी, मैं बोलू। सत्व प्रधान जो होता है वो सतयुग का होता है, एकदम 60, एकदम 100% प्योर सत्व प्रधान। फिर जब हम त्रेता युग में जाते फिर सत्व बन जाते हैं, तो फिर ऐसे से नीचे नीचे उतरते जाते, फिर रजो होता है, फिर तमो होता है ऐसे। जो आत्मा 16 कला संपूर्ण थी वो 14 कला बन जाती है, इसलिए सत्व प्रधान सत्व। वो डिफरेंस जैसे अपने 7 दिन के कोर्स में भी पिक्चर में दिखाया गया है, सीढ़ियों के चित्र। जी जी थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। सत्व तो प्रधान सब कुछ प्योरिटी ही होगी, पवित्रता ही होगी वहां पर। ओम शांति। पुष्पा माता जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया, बहुत देर हो गई। जी ओम शांति। आज बाबा ने फर्स्ट पॉइंट बोला था, स्व के स्वरूप की स्मृति में रहना है कि मेरा स्वरूप क्या है, और सेकंड था एक बाप दूसरा ना कोई, के कर्म में और बोल में बिल्कुल रॉयल्टी। तो जो भी संपर्क में आएगी उनको भी नजर आएगा, और रियलिटी वाले कभी भी झुकेंगे नहीं ना ही प्रभावित होंगे। तो बाबा ने पूछा था हमसे कि कितनी रॉयल्टी आई है हमने, मेरा इसमें कहाँ तक नंबर है, तो ये हमें चेक करना। ओम शांति। बाबा ने दो बातों के बारे में पूरी मुरली चलाई, एक रियलिटी और दूसरी रॉयलिटी, जिसमें कविता सिस्टर ने भी जिक्र किया और आपने भी शेयर किया। तो रियलिटी तो दो ही है कि एक मैं कौन हूँ, दूसरा मेरे लिए कौन है, मेरा मतलब एक बाप दूसरा न कोई, हाँ ये दोनों। लेकिन जब मैं अपने आप के स्वरूप में स्थित होती हूँ, यानी कि स्वरूप में स्थित होती हूँ, तो ये मेरी रियलिटी है। इससे क्या आएगी, कौन सी रॉयल्टी आएगी? सूरत में रॉयल्टी आएगी, अलौकिक रॉयल्टी है, जो कोई भी देखेगा तो उनको लगेगा फरिश्ते हैं, ये देवता है, उतरा है स्वर्ग से। लेकिन जब इस रॉयल्टी में, रियलिटी में रहते हैं कि मेरा एक बाप दूसरा ना कोई, तो कौन सी रॉयल्टी आती है? तो जो हर कर्म होगा ना वो श्रेष्ठ होगा, जो हर बोल होगा ना वो समर्थ होगा, फल देने वाला होगा, जिसको कहते हैं सत्वचन महाराज ना, उसके बोल के अंदर अथॉरिटी होगी, कर्म के अंदर अथॉरिटी होगी। वैसे ही बाबा ने दृष्टि की बात कही कि दृष्टि जादू का समान बन जाएगी, है ना, और उस दृष्टि से फिर अनेकों को साक्षात्कार होंगे, जहां पर भी स्थित होना चाहे, चाहे वो मुक्ति की स्टेज पर, चाहे जीवन मुक्ति की स्टेज पर, चाहे अपने संगम युग का की स्थिति में, या फिर वो अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में, चाहे परम धाम में, चाहे वो स्वर्ग के सुख में जीवन में, है ना। तो जैसे एक दृष्टि की ही यहाँ तो बाबा ने बात की, लेकिन जितने भी कर्म इंद्रिया है वो कुछ ना कुछ जादू का काम करेंगी, अनेक आत्माओं को प्राप्तियां कराएंगी। तो ये रियलिटी और रॉयल्टी दोनों साथ साथ हमें समझनी है। अच्छा नीलम बहन आप बोलिए। ओम शांति। जैसे आपने बताया अभी रियलिटी और रॉयल्टी, तो मींस हमारी रियलिटी हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम अपने कर्म इंद्रियों को उस रूप में ढालेंगे तो हमारी रॉयल्टी स्वयं ही झलकेगी। जैसे जैसे बाबा का ज्ञान है तो हम उस संपर्क में रहते हैं, तो जैसे एक लोहे को टचिंग करके पारस बन जाता है, तो इसी प्रकार बाबा ने हमें जो गहराई में ज्ञान दिया है कि हम कैसे उसकी रॉयल्टी क्या होगी, असमर्थ को भी समर्थ बना सकती है और असली को जो दिव्य दृष्टि के द्वारा भी ये जादू हमें लगेगा। फिर बाबा ने हमारे को ये ज्ञान स्मृति दिलाई है कि हम किसी के अधीन नहीं होंगे, क्या होगा, और हमारे ऊपर कोई किसी का जादू भी नहीं चलेगा।
कोई मायावी संकल्प भी प्रभावित नहीं करेंगे। तो बहुत ही गहराई में हमें ये चीजें अपने ऊपर 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हमें ये अभ्यास करना है। ओम शांति। आज एक कोई मुरली पढ़ी थी जिसमें बस यही था कि बाबा के सम्मुख रहने से ही होगा, बाबा के सम्मुख जो रहते हैं उनके साथ ही होता है, वो इतने भरपूर होते हैं, इतनी प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। तो सन्मुख रहने का मतलब क्या है? वो यही तो है ना, एक बाप दूसरा ना कोई। हम देखें भी तो एक को, हम एक के अंत में खो जाना, एक मत पर चलना, एक एक रस, एक से ही सारे रस लेना, एक से ही सर्व संबंध निभाना। हाँ, तो एक बाप दूसरा ना कोई का कोई एक छोटा सा अर्थ नहीं है, मतलब सभी बातों का विस्तार जो है वो एक इस बात में बाबा ने समा दिया कि बस बाबा को ही देखना है, बाबा के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। तो अपने सत्य स्वरूप में जब मैं स्थित होती हूँ ना, तभी मैं बाबा के संपर्क में रह सकती हूँ। अगर मेरी सत्यता में मैं स्थित नहीं हूँ, जरा भी देह भान में हूँ, जरा भी अनेक किसी के लगाव में झुकाव में हूँ, तो मैं अपने बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, जुड़ी नहीं सकती हूँ। तो मैं बिंदी आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परम धाम की स्थिति में अपने प्यारे पिता बिंदु स्वरूप शिव बाबा के सन्मुख बैठी हूँ। हाँ, और फिर उसका जो है वो मेरा है, तो वो अपने रंग में मुझे रंगता चला जाता है ना। तो मैं, मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, जो भी सब कुछ मेरे पार्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, वो सब समाप्त हो जाती है। और फिर उसके संपर्क से मैं जो भी पार्ट प्ले करती हूँ, उससे उसके गुण ही झलकते हैं और बिल्कुल दिव्यता का अनेक आत्माओं को अनुभव होता है। तो ये है हमारी रियलिटी और रॉयलिटी। जी। अंजनी बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चों में एक विशेषता देख रहे हैं। ओम शांति। हाँ, इतनी सुंदर विशेषता है ना। तो हम कौन है? सभी तकदीरवान बच्चे है ना, सब तकदीरवान बच्चे हैं ना, सब स्वर्ग में आने वाले बच्चे हैं। तो विशेष रूप से बाबा देख रहे हैं ना बच्चों को। ओम कविता शांति। बहन आप कुछ कहेंगे? और समय भी हो गया है हमारा, लास्ट पॉइंट किसी को शेयर करना हो तो। चेक करना है हमें, हाँ, मेरा नंबर कौन सा, क्या मेरे अंदर इतनी रियलिटी, मैं अपनी रियलिटी में कितना स्थित रहती हूँ, मेरे अंदर कितनी रॉयल्टी आई है, क्या मैं फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्मा के जो गुण होने चाहिए उनकी अनुभूति करती हूँ, उनकी शक्तियों की अनुभूति करती हूँ। हाँ, तभी तो मेरे को सभी प्राप्तियां सतयुग के अंदर होंगी, है ना। मैं रह ना जाऊं, इसीलिए मेरा पुरुषार्थ जो है वो सत्व प्रधानता का होना चाहिए। हाँ, इसीलिए मेरी स्थिति सदा सत्य स्थिति होनी चाहिए, सत्य स्वरूप में मेरी स्थिति होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा धर्मराज के पास जाना ना पड़े, अपना जज खुद बनो। वसुधा बहन बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया। इस मुरली में तो पूरा एक तरह से ज्ञान का सार ही आ गया, मैं कौन और मेरा कौन। और जब ये स्मृति रहेगी सदा, तो आपको रॉयल्टी स्वतः ही आती जाएगी। कहीं किसी वैभव में, किसी आकर्षण में आंख कहीं और डूबेगी नहीं, है ना। सदा प्राप्ति से भरपूर, क्योंकि आप सदा सत्य के साथ कनेक्टेड हैं। खुद का भी भला और आपके संग में सबका भला उससे। अति सुंदर। तो हम जादू के मंत्र को याद रखेंगे। कौन सा है जादू का मंत्र, आप में से कोई बताएगा शॉर्ट में? जादू का मंत्र कौन बताएंगे? अनम्यूट करके बताइए जादू का मंत्र।
रतन देता है हमें, मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। भाई मेरे कपड़ों की धुलाई करता है, एक बाबा मीठा पापा बाबा दूसरा मीठा ना, बाबा, हम एक सो पापा सो दूसरा ना कोई। मैं नीलम मैम कौन, बोलिए। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। जयंत भाई बोलिए। मैं कौन, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, और मेरा बाप बाबा के साथ बाप समान कैसा बनना है, ये मेरा स्वरूप हमें बनाना है। और बाबा ने उदाहरण दिया, बहुत से उदाहरण दे के रॉयल्टी और रियलिटी के पॉइंट्स बताए। उसमें एक बताया है कि पारस का उदाहरण दिया है कि हमें पारस जैसा, जिसको स्पर्श किया वो सोना बनाता है, वैसा हाँ बाबा का स्पर्श हमें होगा तो हम बाबा सरी के सोना बनेंगे। कब, जब हम रॉयल्टी और रियलिटी सब तरफ से आत्मसात करेंगे। ओम शांति। जी, वंदना बहन। कर्मिंदे द्वारा जो भी करते हैं। नीलम बहन। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी रियलिटी और रॉयल्टी में रहना है। तो रतन भाई आप होमवर्क देंगे, समय हो गया है, अभी सभी पोल का भी आंसर करेंगे, पोल अभी लॉन्च करेंगे, आप सभी आंसर कीजिएगा और सुनते रहिएगा होमवर्क भी। ओम शांति। तो कल अमृत वेले से ही हम ये स्मृति में रखेंगे कि हम कितने तकदीरवान हैं। हम बच्चों को देख करके, बाबा भी ईश्वरीय फखर में रहते हैं, तो हम भी उसी फखर में रहेंगे सारा दिन भर, और अपनी रियल स्वरूप में स्थित होंगे। जैसे आज पोल में भी ऐसे ही लिखा है, शारीरिक अवस्था माना अपना स्वरूप, सत्य स्वरूप में कितनी देर रहेंगे, रह पाएंगे, उसको चेक करेंगे। सारा दिन भर हम अपने रियल स्वरूप में स्थित होने के अभ्यास करेंगे। ओम शांति। तो अभी 1 मिनट के लिए हम जाएंगे बाबा के साथ, बाबा के पास। देखेंगे स्वयं को सूक्ष्म बर्तन में, बाप दादा के सम्मुख। बाबा को थैंक्स कहेंगे कि हमें इतना तकदीरवान बनाया। इतने सुंदर जादू मंत्र दिया। बोल में, नैनों में और हर कर्म इंद्रिय में रियलिटी और रॉयल्टी भर दिया। इतनी सुंदर शिक्षाएं दी सबके लिए, बाप दादा के बहुत सारा थैंक्स, और बाबा को गुड नाइट कहेंगे। गुड नाइट। ओम शांति।